नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह। तो दोस्तों, जैसा कि आप भी सुन रहे होंगे कि जो केवीएस है उसने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, और जो पहले सिलेबस था अगर आप उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, सिलेबस में काफ़ी बदलाव किया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी प्राइमरी टीचर, इसका मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो ड्यूरेशन रहेगी वो 150 मिनट्स ही रहेगी, मतलब आपको 2.5 घंटे का ही टाइम मिलेगा। क्वेश्चन भी दोस्तों इतने ही होंगे जितने पहले थे, 150 क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जो मार्क्स होंगे वो भी 150 होंगे। तो दोस्तों, इसके बाद जो बदलाव हुआ आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले जो पार्ट वन है, इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जो जनरल हिंदी इंग्लिश है, तो दोस्तों ये 10-10 नंबर की आपको मिलेगी। पहले क्या होता था, 15-15 नंबर की हिंदी इंग्लिश आती थी, दोनों मिला के 30 नंबर की। लेकिन अब की बार क्या कर दिया है कि ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे ये, और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें सेकेंड पार्ट है जो आप देख सकते हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये दोस्तों 10 नंबर के होंगे। पहले क्या होता था, 40 नंबर की करंट अफेयर, उसमें कुछ जीके आ जाती थी, मतलब 40 मार्क्स की होती थी, लेकिन अब की बार ये 10 नंबर की है। इसके बाद दोस्तों जो रीजनिंग है वो भी 10 नंबर की है। इसके बाद दोस्तों अलग से एक टॉपिक ऐड किया है, कंप्यूटर, कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें दोस्तों 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद पेडागोजी है 20 मार्क्स की, तो इसमें कंप्यूटर नया ऐड किया है और जो पहले थे उनके मार्क्स घटा दिए गए। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ और भी बदलाव है। ये तो दोस्तों टोटल मिला के, कुल मिला के हो गया आपका 70 मार्क्स का हो गया टोटल, आपका जो टेस्ट होगा 150 मार्क्स का होगा, तो 80 मार्क्स का क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों 80 मार्क्स का क्या होगा, सब्जेक्ट कंसर्न, तो दोस्तों जो सब्जेक्ट है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या होगा, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, इसके बाद ईवीएस हो गई, इसके बाद दोस्तों साइंस हो गई। तो दोस्तों ये इसमें सब्जेक्ट होगा, तो दोस्तों ये 80 मार्क्स के होंगे, मतलब कुल मिला के 150 मार्क्स का पेपर होगा। तो दोस्तों इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और साइंस, तो दोस्तों ये टॉपिक भी होगा। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अब की बार जो पैटर्न है वो काफ़ी अलग है और एग्ज़ाम पहले के मुकाबले टफ होने वाला है। इसके बाद एक टॉपिक, एक चीज़ और देख सकते हैं आप दोस्तों, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और जो वेटेज होगा इसका वो क्या होगा, 85:15, मतलब 85 और 15 का रेशियो होगा। मतलब अगर आपका जो टोटल टेस्ट है 150 मार्क्स का, उसमें से आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उसका 85% जोड़ा जाएगा, और इंटरव्यू जैसे 60 मार्क्स का है और आपके आगे 40 मार्क्स आ गए तो उसका 15% निकाल के तब फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। जो टीजीटी है उनमें भी दोस्तों यहाँ तक तो सभी में सेम है, 50 मार्क्स का दोस्तों सेम है। इसके बाद उसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का दे रखा है। तो दोस्तों अपनी तैयारी अच्छे से रखें, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।